अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्रंची चॉकलेट बार्स बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है, 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, 3 खाने के चम्मच मक्खन, आधा कप राइस पफ, ये चॉकलेट कोटेड राइस पफ हैं, आप बगैर चॉकलेट के भी यूज़ कर सकते हैं, और एक अदद एल्युमिनियम फॉइल का मोल्ड लिया है जिसमें हम चॉकलेट को सेट करेंगे। आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लेंगे। एक पैन में हमने पानी को गर्म कर लिया है, इस पर एक बॉल रख देंगे। अब इसमें मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मक्खन डालकर इनको मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। मोल्ड में थोड़ी सी मेल्ट की हुई चॉकलेट डाल देंगे। मोल्ड में नीचे थोड़ी सी चॉकलेट को डालकर फैला दिया है और बाकी चॉकलेट में हम ये राइस पफ डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसको भी मोल्ड में डाल देंगे। चॉकलेट को 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। चॉकलेट सेट हो गई है, अब इसको मोल्ड से निकाल के काट लेंगे। क्रंची चॉकलेट को काट के सर्व कर दिया है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी चॉकलेट कैसी बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।